हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेलपत्र का शरबत बनाएंगे ठंडा ठंडा गर्मियों में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बेलपत्र का शरबत बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये भगोना ले लिया है, कोई बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा इस शरबत को बनाने के लिए। देखिए, ये जो है लगा है, इसे भी निकाल लिया जाता है, ठीक है। ऐसे भी आप स्पून से ऐसे निकाल के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से। बहुत मतलब ये फायदा इतना करता है कि बता नहीं सकते आपको। बहुत मजबूत, इसको यूज करने से शरीर बहुत मजबूत रहता है। देखिए, ऐसे ही हम सारे बीज के जो पार्ट है निकाल लेंगे इसका जूस बनाने के लिए। बेलपत्र का जो जूस है बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए, इस तरीके से श्रीफल बोला जाता है, बेल बोला जाता है, बेलपत्र कई नामों से, हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इसे अच्छे से हमें निकाल लेना है। हमने सारा जो श्रीफल का गूदा है निकाल लिया है, बेलपत्र का गूदा निकल गया। अब इसमें जाएगा पानी, हमें ज्यादा पानी अभी नहीं यूज में लेना है, नहीं तो हमें शरबत बनाना है ज्यादा पानी हो जाएगा। अब इसे जो है हमें ऐसे ही अच्छे से इसे मसलना है। देखिए, ऐसे इसे जो भी मतलब इसमें जो बड़े बड़े पार्ट हो अच्छे से वो मसल जाए, इसलिए हम इसे मसल लेते हैं पहले। देखिए, हमने इसे कैसे अच्छे से मसल लिया, आप देख सकते हैं। जो भी ये मतलब पार्ट जो मतलब नहीं ये यूज होने वाला है वो अलग हो गया है। और देखिए, शरबत जो है अच्छे से, बेलपत्र का शरबत जो है तैयार हो गया है। अब लास्ट बार क्या लेंगे हम, देखिए ये हमें लेनी है थाली और ये हमें लेनी है जाली। और इसको हम क्या करेंगे, छनिया से नहीं छानना होता है क्योंकि उसका जो भी पार्ट हो निकल जाएगा तो फायदा नहीं करेगा जूस। इसलिए मोटा वाला जो भी मतलब इस टाइप का आपके पास बर्तन हो जाली वाली, उससे आप कर सकते हैं। देखिए, ऐसे हमें इसे हिलाते हुए और जूस को जो है निकाल लेना है। देख सकते हैं आप, ये निकल रहा है। ऐसे हम सारे को निकाल लेते हैं अच्छे से। देखिए, हमने सारा जो है छान लिया है और जो बचा था हमने भगोने में भी छान लिया है। इसे भर गई थाली जो थी, भर गई थी। देखिए, अब इसे जो है हम भगोने में डाल लेते हैं जूस को। अब इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसे निकाल लेते हैं थाली में से। देखिए, अब ये जो चीनी है, चीनी को हम डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा जो है शरबत डाल के और चीनी को अच्छे से हम गला लेते हैं मात्र। देखिए, अब इसे चीनी को भी गला के उसमें हम डाल देते हैं। देखिए, हमने चीनी में डाला था शरबत, अब देख सकते हैं कैसे गल गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगा है, बेलपत्र का शरबत जो है बनके तैयार हो गया है। देखिए, हमने ये ग्लासे ले रखी है कांच की। अब इसमें जो है हम बेलपत्र का जो शरबत है इसे हम निकाल लेते हैं। बेलपत्र का ठंडा ठंडा शरबत जो है तैयार हो गया है। आप भी ऐसे बनाएं गर्मियों में ठंडा ठंडा बेलपत्र का शरबत।